महाराजा अग्रसेन, जिन्हें अग्रवाल समाज के जनक की ख्याति प्राप्त है, समाज सुधारक, युग पुरुष, महादानी, लोकनायक, बलि प्रथा को रोकने वाले महाराजा अग्रसेन का जन्म अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा को हुआ था। शारदीय नवरात्र के पहले दिन को पूरा वैश्य समाज बड़ी ही धूमधाम से महाराजा अग्रसेन की जयंती को मनाते हैं। इनके नाम पर अग्रवाल समाज ने जगह जगह पानी की प्याऊ, अस्पताल, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, उद्यान बनाए हुए हैं। महाराजा अग्रसेन उन विभूतियों में से थे जो सभी के हित और सभी के सुख जैसे कार्यों द्वारा युगों युगों तक अमर और याद किए जाएंगे। इसी के मद्देनजर दिल्ली के विधानसभा में जन कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन का आयोजन सम्मेलन के अध्यक्ष देवेंद्र अग्रवाल जी के सौजन्य से किया गया, जहां महाराजा अग्रसेन को याद करते हुए समाज में उनके अमूल्य योगदान को सराहा गया। अग्रवाल समाज को कैसे एक ही सूत्र में पिरोया जाए, कैसे एकीकरण किया जाए, इस पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी की कमान संभाली स्पॉटलाइट कम्युनिकेशन के MD जय सिंह कटारिया जी ने। मंच का संचालन डॉक्टर श्रीमती सपना बंसल ने बखूबी किया, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष सम्माननीय श्री राम निवास गोयल जी ने शिरकत की।
तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के जितने भी सदस्य हैं और श्रीमान देवेंद्र अग्रवाल जी जिन्होंने हमें यहाँ निमंत्रण दिया आने के लिए, और माननीय विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान राम निवास गोयल जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज विशेष अतिथि के रूप में यहाँ विराजमान है। और ये जो सम्मेलन हो रहा है, यहाँ लिखा है जन जागरण कार्यक्रम चेतना, मेरे ख्याल से बताया गया था मुझे कि चेतना का ये थीम है आज। और वास्तव में देखा जाए तो ये थीम हमारा भी है, हमारी संस्था का भी, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत उत्सव, और हम लोग भगवत चेतना जगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और यही हमारे शास्त्र बोल रहे हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा घृतस्य स्वधनम्। कहने का मतलब यह है इसका अर्थ यह है कि जो भी हम देख रहे हैं संसार में वो वास्तव में है भगवान का, लेकिन कितना हमें लेना है, तेन त्यक्तेन भुञ्जिता, जितना हमारे लिए अलॉट किया गया है उतना ही हमें लेना है, और बाकी क्या करना है, हमें उसका वितरण करना है। और इसलिए हम लोग विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे अग्रवाल समाज का, जिन्होंने हमेशा हमारा सहयोग दिया है, भले वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो या मिड डे मील प्रोग्राम हो, प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन हो। आज देखिए लगभग 14,000 बच्चों को खिलाया जा रहा है प्रसाद पूरे भारतवर्ष में, और उसमें अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा हाथ है, सपोर्ट है हमारे लिए, और इस कारण से हम लोग ये कर पा रहे हैं। तो भगवत चेतना जगाने में हमें पूरे समाज का सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसा करने से क्या होता है कि लोग जो है सही दिशा में चलते हैं, सही रास्ता अपनाते हैं। और अगर आप देखें भगवत गीता में, अगर आप देखें तो बहुत सुंदर बात बताई गई है भगवत गीता में, जहां पर 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, जहां पर संजय जो है वो कंक्लूशन दे रहे हैं भगवत गीता का, क्या दे रहे हैं, यत्र योगेश्वरा दर्शो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर महा। यानी कि जहां भगवान श्री कृष्ण है, योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धर अर्जुन है, वहां क्या होगा, विजय होगी, नीति होगा, ऐश्वर्य होगा, अलौकिक शक्ति होगी। साथ ही एडवोकेट व कार्यक्रम की राष्ट्रीय संयोजक श्रीमती पायल अग्रवाल जी भी मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित रहीं, जहां उन्होंने अग्रवाल समाज को संबोधित करते हुए कहा कि आज के परिवेश में अग्रवाल समाज की एकजुटता कहीं खोसी गई है, आज जरूरत है पूरे अग्रवाल समाज को इकट्ठा होकर अग्रसर होने की। आज यहां इस प्रोग्राम में बुलाने पर अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन की दिल्ली NCR प्रदेशाध्यक्ष श्री देवेंद्र अग्रवाल जी, श्री PD अग्रवाल जी, बाकियों को शायद मैं नाम से नहीं जानती हूं, सपना बंसल जी से कल मेरी बात हुई, सभी का बहुत 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 धन्यवाद, और इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ आने पर, अपना समय निकालने पर तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। अभी बहुत सारी बातें यहाँ हो रही थी कि कोरोना काल में अग्रवाल समाज ने ये किया, समाज के लिए ये किया, और हम देखते भी हैं, हम खुद शहर की गौशाला हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यहाँ तक कि शमशान घाट की भी जो समिति बनी होती है उसमें भी हम आगे हैं, पूरा समाज हमारी तरफ इतनी उम्मीद भरी नजरों से देखता है, फिर हमारी झोली में समाज की तरफ से ना उम्मीद क्यों, अपेक्षाएं हमसे हैं, अग्रवाल से हैं, लेकिन हम उपेक्षित क्यों हैं भाई, जरा सोचिए, जरा विचारिए, जैसे सपना जी ने कहा जरा मंथन कीजिए, ईंट और पत्थरों से जो बनता है उसे तो सिर्फ मकान कहा जाता है, इसलिए हम लोग हाउस क्वीन भी नहीं है, उस हाउस को हम होम बनाते हैं, घर बनाते हैं, मकान और घर में बहुत अंतर है, सो वी आर होम क्वींस। आप सबके लिए मेरी खुद की लिखी हुई 2-4 पंक्तियां मैं कह देती हूं, खुश रहो कि ये काजल तुम्हारी आंखों में आकर संवर जाता है, खुश रहो कि ये काजल तुम्हारी आंखों में आकर संवर जाता है, खुश रहो कि कालिख को तुम निखार देती, खुश रहो कि तुम बिन कुछ नहीं है, तुम्हारे हुस्न से ये आसमान दिलकश और ये जमीन हंसी है, खुश रहो कि रब ने तुम्हें पैदा ही खुद मुख्तार किया, फिर क्यों किसी
और को तुमने अपनी मुस्कानों का हकदार किया। खुश रहो जान लो कि तुम क्या हो, खुश रहो जान लो कि तुम क्या हो, चांद सूरज हरियाली और हवा। खुशियां देती हो कभी खुशियां पा भी लो, खुशियां देती हो कभी खुशियां पा भी लो, कभी बेबात गुनगुना भी लो। अपनी अपनी मुस्कुराहटों के फूलों को अपने संघर्ष की मिट्टी में खिलने दो, अपनी मुस्कुराहटों के फूलों को अपने संघर्ष की मिट्टी में खिलने दो, अपने पंखों की ताकत को नया आसमान मिलने दो। और लास्ट में सिर्फ एक लाइन और कहूंगी, और हाँ मत ढूंढो कंधे, और हाँ मत ढूंढो कंधे कि सहारे अक्सर सरक जाया करते। मैं सबसे पहले हमारे राम निवास गोयल जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि आप हमारे चीफ गेस्ट भी हैं और ऑनरेबल स्पीकर भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए गौरव की बात है कि आप हमारे परिवार का हिस्सा भी हैं। मोहन रूप का प्रभु जी, जिनको हमने सुना, पायल जी जिनका भी उद्बोधन हमने सुना, अच्छा मन संचालन कर रहे हैं, शिल्पा जी सपना मंचन नाम ने लिखा अपने लिखा, सरिता जी, कविता अग्रवाल जी मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, पीडी अग्रवाल जी और बीके बंसल जी, अनिता मुकीम जी हमारे विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली और ब्यूरो का जो पार्टी सदस्य है समाज सेवी अग्रवाल से एक संस्था चलाती हूँ, उसके अध्यक्ष भी रेखा गुप्ता जी, मेरा बहुत बार उनसे मिलना रहा है, हमारे गुरु जी विजय भूषण महाराज जी को शिक्षा दी, यहाँ सब लोग उपस्थित मेरा सबको नमस्कार, बहनें बड़ी संख्या में हैं उनको भी मेरा नमस्कार। हम धर्मशालाएं बनवाने में अगर नहीं है, कहीं भी अग्रवाल संगठन हो या अग्रवाल धर्मशाला बनी मत में जाएंगे सभी अग्रवालों की धर्मशाला बनेगी, 99% हरिद्वार जाएंगे 99%, जहां भी चले गए सब धर्मशालाएं होंगी, क्या हमारे बच्चों का इंटरेस्ट रहेगा धर्मशाला में? जब तक देवेंद्र जी बैठे हैं अगर धर्मशाला बनवा दी तब तक इनका आना जाना रहेगा, क्या इनके बच्चे धर्मशाला को देखेंगे जाकर? देखते हैं, हमने उनमें एसी लगवा दिए बढ़िया कमरे हो गए तब भी हमारा बच्चा कहीं घूमने जाएगा तो फाइव स्टार में ठहरेगा। इस खास मौके पर श्री राम निवास गोयल जी ने सर्वधर्म संगम टीवी से भी खास बातचीत की। सर, आजकल की जो यंग जनरेशन है उनको खास तौर पर एकत्रित होकर रहने में या साथ मिलकर आगे बढ़ने में, समाज को आगे ले जाने के लिए आप क्या खास मैसेज देना चाहेंगे हमारी यंगस्टर्स को, यंग जनरेशन? देखिए, यंग जनरेशन जो है उनमें मित्रता बहुत गहराई से, वो जाति धर्म से ऊपर उठकर मित्र है, वो इस मामले में हमसे ज़्यादा आगे डीप हैं। हाँ, उनको दिशा देने की ज़रूरत है, वो नैतिक शिक्षा जिसका मैंने जिक्र किया, उस नैतिक शिक्षा से वो वंचित रहे, और ये हम बड़ों का दायित्व है कि उन बच्चों को नैतिक शिक्षा दें। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज दे दीजिए। समाज सेवा में लगें जितना संभव हो सके, भाईचारा बना के रखें, भाईचारे की इस देश को बहुत आवश्यकता है, प्रेम की बहुत आवश्यकता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, आपका पायल जी सर्वधर्म संगम टीवी चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू जी, आज का ये जो ओकेजन रहा है, जो ये अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन है, और जिस हिसाब से आपने पूरे अग्रवाल समाज को एक मैसेज दिया है, मोटिवेट किया है जी, उसको लेकर और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन का मैं थैंक यू कह दूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जन जागरण की जो उन्होंने मुझे दी है राष्ट्रीय संयोजिका बनाकर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आज का तो आपने सुना, इसके बाद अगर मैं कुछ कहना चाहती हूँ पूरे अग्रवाल समाज को, कि आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए मकान दुकान सोना चांदी रुपया पैसा छोड़ें या ना छोड़ें, डजेंट मैटर,
वो अपने टैलेंट से, अपनी किस्मत से कमा लेंगे, खा लेंगे। लेकिन अगर आप वास्तव में कुछ छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए नैतिक मूल्य ज़रूर छोड़ें, उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ ज़रूर से इम्प्लांट करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने नैतिक मूल्यों को पहचाने, समझे और हमारा देश, हमारा समाज बच सके, यही मैं कहना चाहूँगी। जन जागरण कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम के संयोजक व दिल्ली NCR अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष श्री देवेंद्र अग्रवाल जी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को ये बताने और समझाने की बेहद जरूरत है कि महाराजा अग्रसेन कौन थे। आज के युवाओं को ये याद दिलाना होगा कि हम सभी महाराजा अग्रसेन की ही वंशज हैं। आज का ये जो कार्यक्रम रहा है अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन, इसको लेकर एक खास मैसेज अगर हमारी यंग जनरेशन को आपको देना हो तो आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी जो इस समय की मौजूदा पीढ़ी है उसमें काफ़ी कम, अभी तक उसमें भी नॉलेज कम है, जबकि यंग जनरेशन में हमारी कोई नॉलेज है ही नहीं अग्रसेन जी के प्रति, जबकि उनको नॉलेज देना और अपने संस्कार डालना बेहद ज़रूरी है। तो मैं अपनी जो भी पीढ़ी के, जो हमारी समकक्ष पीढ़ी है, मैं उनसे यही कहूँगा कि अपने बच्चों को आशीर्वाद तो दें, संस्कार डालें उसमें, उन्हें बताएं कि महाराजा अग्रसेन जी कौन हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, ये नॉलेज उनको डालना और उनके संस्कार, एक रुपया एक ईंट, एक दूसरे की सहायता करना, सब करना, ये जरूर उनमें डालने चाहिए। इस तरह का सम्मेलन जो आयोजित किया जाता है, नेचुरली उससे जो है लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। इसके अलावा लोगों को मोटिवेट करने के लिए और क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं आपके संस्थान की ओर से? देखिए, हमारे संस्थान की ओर से काफ़ी कोशिशें की जाती हैं, कुछ तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें डेली मैसेज हम डालते हैं, उससे भी लोग काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं। इसके अलावा समाज की सहायता रेगुलर करते हैं, लोगों को बताते हैं आप लोग भी आगे बढ़िए। अभी हमने पीछे एक विकलांग लड़की का पैर लगवाया था, अगली 6 साल की उम्र में पैर कटा था और वो लड़की 26 साल की हो गई थी, तो हमने अपने संस्थान की तरफ से उसका पैर लगवाया, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों ने सहायता करी। ऐसे इसी तरह से छोटे छोटे काम करके लोगों को उसी में जुड़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, ताकि उनमें इस तरह की भावना उत्पन्न हो। मैं आपको इसमें एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा। अभी 1 साल और 3 महीने हुए मेरे बेटे की शादी थी, मेरा बेटा CA है। जब वो 7 फेरे लिए ना जी अग्नि के समक्ष, तो मैंने अपने बच्चों से कहा उसी समय सब भीड़ के सामने ही कि मैं कहा बच्चों एक 8वां वचन मुझे और दो। अब दोनों बच्चे चौंके, बोले क्या? मैं कहा बेटा जो भी तुम जिंदगी में कमाओ हर महीने, उसका 2% समाज सेवा में दोगे तुम और गरीबों को दोगे। उन्होंने शहर से इसको स्वीकार किया और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे दोनों बेटा बहू, मतलब दोनों बेटा बहू इस चीज़ पे अभी तक अमल कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैंने उस संस्कार डाले ना, इसीलिए मैंने उनसे वचन लिया कि आप लोगों में संस्कार लिखा, वो जिंदगी भर इस काम में लगा रहेगा और हो सकता है अपनी जब भी उसके आगे बच्चे हों वो उनसे भी ऐसा ही काम करवाए। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हम लोगों में भावना जागा सकते हैं, अपने यंग जनरेशन में उनको उत्साहित कर सकते हैं। सपना जी, सर्वधर्म संगम TV चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस चैनल पे आज बोलने का मौका दिया। जी सपना जी, आज का ये जो सम्मेलन रहा है अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स उठाए गए, जिसमें एक जो मेन पॉइंट था वो ये था कि अग्रवाल समाज में कहीं ना कहीं एकजुटता की कमी है, एक लीडरशिप की कमी है। तो ये जो कमी आप महसूस करते हैं, इसका मेन कारण क्या है, क्यों ये कमी है हमारे समाज में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि महाराजा अग्रसेन जी ने जो 1 रुपये 1 ईंट का सिद्धांत दिया, समाजवाद का सिद्धांत दिया, आज उसी पे ही डेमोक्रेसी बेस पे आज हमारे हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। रही बात एकता की, एकता हम सब में है, सिर्फ कमी जागरूकता की है, क्योंकि जब हम अपने अधिकारों कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं होते तब तब हम भटक जाते हैं। तो इस तरीके के जो मंथन होते हैं या जनसंवाद होते हैं, उनके माध्यम से हम आपस में जो अपने चीज़ों में हमारे बीच में डिफरेंसेस आ गया है, क्योंकि आप देखेंगे Delhi NCR की लाइफ बहुत बिजी है, आपस में समय नहीं मिल पाता, भाई के पास भाई के लिए समय नहीं है, तो उन सभी संवाद को और अच्छा बेहतर करने के लिए इस तरीके के सम्मेलनों की ज़रूरत है। मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी यूनाइटेड हैं, सिर्फ जरूरत है जागरूकता की, अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करने की और समाज के लिए थोड़ा सा योगदान देने की। बस उतने कार्य से हम लोग संगठित होकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपना वर्चस्व पूरे समाज में, पूरे देश में और पूरे राष्ट्र में फैला सकते हैं। अच्छा मैम, जिस तरह से आपने अभी कहा कि भाई समय की बहुत कमी रहती है, जाहिर तौर पर आजकल पेरेंट्स वर्किंग रहते हैं, फादर को भी टाइम नहीं है, मदर को भी टाइम नहीं है, ऐसे में बच्चों को किस तरह से मैनेज किया जाए, बच्चों के अंदर संस्कार किस तरह से डाला जाए, क्योंकि एट दी एंड सभी चीज़ों के लिए टाइम देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। लोग ये सोचते हैं कि रिश्तों में ज़्यादा समय देने से रिश्ते बेहतर होते हैं, ऐसा नहीं है। रिश्तों में क्वालिटी ऑफ टाइम, क्योंकि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो आप कई सालों तक बात भी ना करें लेकिन
जब भी मिलेंगे तो बहुत गर्मजोशी से मिलेंगे, तो अपने आप को आपको सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उस संवाद के लिए तैयार करना है। एक्चुअली क्या है कि हम मोबाइल और टेक्नोलॉजी में इतने खो जाते हैं कि बगल में कोई हाई हेलो भी करके जा रहा है तो हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। मेरा ऐसा मानना है कि हमें अब थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजी से निकलकर उन रिश्तों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि हेलो मैम, हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, थैंक यू सो मच। मैम, आज के इवेंट को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के इवेंट को लेकर के मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि समाज में जो देखिए बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, लेकिन हमारा एक जो अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन है उसका एक ही मोटिव है कि हम सभी लोगों को एकत्र होकर के लेकर के चलने की कोशिश करें। और आजकल सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ देखी गई है कि जो बच्चे हैं, हमारा जो युवा वर्ग है, वो ना अपने समाज के प्रति जो है ना काफ़ी चीज़ों को नहीं समझ रहा है, वो पीछे चलते चले जा रहे हैं। तो उनको हम अपने समाज के प्रति कैसे जागरूक करें, कैसे उनको हम उनके बीच उनकी सारी चीज़ों को बताएं, हमें अपने पूर्वजों के बारे में उनको कैसे बताया जाए, कैसे समझाया जाए, उन चीज़ों को लेकर के हमें सबसे ज़्यादा सजग और समझ होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हमारा जो देश का जो स्वराष्ट्र जो है वो हमारे युवा ही हैं, और अगर हमारे बच्चे हमारा भविष्य है देश का, अगर उन्हीं को नहीं मतलब कुछ भी हमारे फ्यूचर्स के बारे में पता होगा, पास्ट के बारे में पता होगा, तो हम आगे उनको क्या सिखाएंगे। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दूं और आगे समाज में भी उसी के लिए कार्य करूं। थैंक यू सो मच। इस खास मौके पर अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन की एडवाइजर श्रीमती रेखा गुप्ता जी भी मौजूद थीं, जिन्होंने अग्रवाल समाज के प्रति अपनी भावनाएं सर्वधर्म संगम टीवी के साथ साझा की। सम्मेलन में इस बात पर भी मंथन किया गया कि शादी ब्याह में जो मोटी रकम खर्च की जाती है, इसमें कटौती की जानी चाहिए और उन पैसों को समाज कल्याण के उपयोग में लाना चाहिए। मैम, हमारे चैनल सर्वधर्म संगम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, शुक्रिया। मैम, आप बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं अग्रवाल समाज का, तो आज का ये जो सम्मेलन रहा है, जो इवेंट रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स? ये जो प्रोग्राम रहा है, क्योंकि मैं तो लास्ट 35 ईयर्स से मैं अग्रवाल समाज की सेवा कर रही हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं जहाँ खड़ी हुई हूँ, वो ज़मीन अग्रवाल समाज की दी हुई है, वो आसमान समाज का दिया हुआ है, वो रुतबा समाज का दिया हुआ है, तो उसको मैं नकार नहीं सकती कभी भी। और ये इस तरीके के प्रोग्राम्स होते रहते हैं, और ये एक लोगों से मिलने जुलने का ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर हम बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि एक में बहुत कड़वा सच ये बोलना चाहूँगी कि जो 35 साल पहले हम मुद्दे बोलते थे, वही आज भी हम वही दोहरा रहे हैं। कहीं कुछ तो सुधार होना चाहिए, कहीं कुछ तो ऐसा हो कि जो हम कह रहे हैं, कथनी और करनी हमारी एक सी होनी चाहिए। तो अगर हम, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले वर्षों में भी फिर हम वही बात दोहराएंगे, तो कुछ कहते हैं ना कि कुछ भी कर गुजरने के लिए एक बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति की और धधकते हुए साहस की ज़रूरत होती है, वो कहीं ना कहीं लुप्त है। और उसमें हम लोग, और एक ये प्रश्न आया था कि भाई वैश्य समाज सब एक हो जाए, तो जब तक अहम रहेगा और वहम पाल के रखेंगे या आई एम द बेस्ट, तो ये नहीं हो पाएगा। बाकी ये प्रयास बहुत अच्छा था अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन का, और मैं अपनी पोइट्री का कुछ सुना के और समाप्त करूँगी, और जो महिलाओं को समर्पित है, यहाँ पे मुझे लगता है पुरुषों के बराबर ही महिलाएं थी, कि मैं नूर हूँ मैं हूर हूँ, मैं नूर हूँ मैं हूर हूँ, मैं शऊर हूँ मैं गुरूर हूँ, मैं सुर भी हूँ मैं ही ताल हूँ, मैं सुर भी हूँ मैं ही ताल हूँ, मैं उड़ता सा गुलाल हूँ, मैं महकता सा गुलाब हूँ, मैं बंदिशों की खड़ताल हूँ, मैं रिश्तों की जिंदा मिसाल हूँ। जितने रिश्ते एक औरत निभाती है वो कोई नहीं निभाता। मैं रिश्तों की जिंदा मिसाल हूँ, मैं कमाल हूँ मैं कमाल हूँ, बेमिसाल हूँ बेमिसाल हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सम्मेलन में अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी शिरकत की, जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। आशीष जी, आज का ये जो इवेंट रहा है अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन, इसको लेकर क्या आप समझते हैं कि आज जो भी मुद्दे रखे गए हैं, चाहे वो जागरूकता का मुद्दा है या एकजुटता का मुद्दा है, एकाग्रचित होकर एक लीडरशिप का मुद्दा है, तो आप क्या अपने व्यूज इस पर रखेंगे?
सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन को, जिन्होंने ऐसा जनजागरण कार्यक्रम का आयोजन किया। आज के दिन समाज में हर किसी को अपने बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में पता होना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि थे रामनिवास गोयल जी, दिल्ली के स्पीकर हैं, उन्होंने कुछ बातें कहीं और उनमें से तीन ऐसी बातें जो मैं आज यहाँ से गांठ बांध कर लेके जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कही कि रिश्तों में कभी गांठ नहीं आती, आप जब जब उनको बोना चाहेंगे तब तक वो आपके लिए अच्छे बनेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने रिश्तों को कैसे बना कर रखें। तो हमेशा रिश्तों को बना कर रखें, रिश्तों को जोड़ने का काम करें। दूसरा, इन्होंने कहा कि अभी जैसे कि गर्मी की छुट्टियाँ आ रही हैं तो बच्चों को आप ज़रूर भेजें, आप कहीं पर भी भेजें, छुट्टियों मनाने के लिए भेजें, लेकिन उनके लिए कोई नैतिक क्लासेस का आयोजन करें जहाँ पर वो नैतिकता सीखें। जब बच्चों की नींव मजबूत होगी तभी वो आगे चलकर अच्छे इंसान बनेंगे। हम पढ़ लिख कर भी कितने भी बड़े आदमी हो जाएं, कितनी भी डिग्रियां ले लें, लेकिन अगर हमारे अंदर नैतिक गुण नहीं होंगे तो हम समाज में वो इज्जत नहीं पा पाएंगे। वो बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने अलग तरह की बातें करी, जिसमें कि सबसे विशेष बातें जो अग्रवालों के बीच में होती हैं कि हम अपने शादियों में, अपने बच्चों की शादियों में बहुत अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं। ये पैसा हम लोगों को, मैं जो बोलना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके शादियों में आप खर्च ज़रूर करें लेकिन बहुत लिमिटेड, और जो पैसा बच जाए उससे उन गरीबों की शादी करा दी जाए जिनके पास पैसा है ही नहीं। और इसीलिए अग्रवाल जी और अग्रसेन महाराज जी सबके प्रिय हैं कि उन्होंने समाज के लिए कुछ करना सिखाया है। हम अग्रवालों में सबसे खास क्वालिटी यही है कि हम अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए जीते हैं। हमारे लिए हमारा परिवार ही सर्वोपरि है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन है ये भी हमारा परिवार है, सारे अग्रवाल बंधु हमारा परिवार हैं। ऐसे ही जनजागरण और ऐसे ही गेट टुगेदर प्रोग्राम्स हमारे होते रहते हैं जिससे कि हम लोगों को अपने बारे में बताने का काम करते हैं। वेरी वेल सेड सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। जी सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज का ये जो प्रोग्राम रहा है, जो ये आयोजन रहा है, इस आयोजन को करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम जो अग्रवाल समाज को मोटिवेट करने की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, तो ये आवश्यकता आज क्यों आन पड़ी है? देखिए, ये समाज में आज बहुत ही करंट अफेयर है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन का, और यहाँ पे जो इन्होंने जन जागरण कार्यक्रम किया, ये समाज की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो बातें हुई, जो मुद्दे उठाए गए, वो वास्तव में समाज का हिस्सा हैं और समाज को फ़ायदा पहुँचाएंगे अलग अलग जगह। मुझे यहाँ पे आज एक बहुत अच्छा मुद्दा लगा कि डिवोर्स केसेस पे काम किया जाए, कि उनको कम से कम किया जाए, परिवार के अंदर एकजुटता बढ़ाई जाए। तो ये आज जो बात यहाँ पे हुई है ये समाज में जाएगी और समाज जो है एकत्र होके इस बुराई से निपटेगा, तो मैं यही आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। आज का जो सम्मेलन है पूरा आपने अटेंड किया, जो भी बातें यहाँ पर हुई है आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुनी है, तो उन बातों में कितनी सच्चाई है और उन बातों को समाज को कितना आगे लेकर के जाना है? जैसे मोटिवेशन की बात की गई है, अग्रवाल समाज के एकीकरण की बात की गई है, क्या समझते हैं आप? ये जो प्रयास है बहुत बढ़िया प्रयास है, इस तरह के प्रयास होने चाहिए। और ये संगठन पुराना है, काफ़ी टाइम से सक्रिय है, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे जो है इस मंच में जो है मीडिया प्रभार का कार्य दिया गया है, जो मैं जैसे हो सकता है मैं कर पा रहा हूँ। हरे कृष्णा, मैं सिमी मित्तल हूँ और मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ और ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ। करीब 15 साल पहले मैं एक बार वृंदावन गई थी, तो वहाँ मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी थी, काश मुझे एक बार भगवान जी की माला बनाने को मिल जाए। सिर्फ एक ये मैं मांगा भी नहीं था भगवान से, सिर्फ इच्छा करके आई थी। 15 साल के बाद भगवान ने ऐसे सुनी, जबकि मैं ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन के 10 मिनट की दूरी पर रहती हूँ और कभी गई नहीं थी। पिछले साल मुझे, अभी मेरा कल मुझको एक साल हो जाएगा, और बस ऐसे ही मुझे प्रभु जी मिले एक बारी, और मैंने सिर्फ ये रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे एक बार, एक दिन के लिए भगवान जी के माला बनाने को मिल जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। वो मुझे ले गए और मैं ऐसे बैठी उस मंदिर में उस दिन, ऐसे बैठी कि एक साल हो गया, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इस्कॉन ना गई हूँ। मैम, आज के इवेंट को लेकर आपसे पूछना चाहेंगे, आज के जो इवेंट है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का इवेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार विधानसभा में मेरी आई हूँ यहाँ पर,
और दूसरी बात मैं इस्कॉन के प्रभु जी कभी आना हुआ है मेरे थ्रू, वो आए और देवेंद्र जी ने बुलाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि उन्होंने एक बार कहने से उनको इन्विटेशन दे दिया, खुद बात की। और इस्कॉन में मेरी प्रेस्टीज भी बहुत बढ़ गई इस बात से कि इस जगह पे मैंने और इतना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में मैंने उनको इन्वाइट किया। देवेंद्र जी तो उनके बारे में कुछ भी कहना, कितना भी कह लो वो कम होगा। वो ऐसे इंसान हैं कि हर समय फ़ोन मेरा उठाते हैं, बात करते हैं, रिप्लाई करते हैं। मतलब मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी उनको, देवेंद्र जी को, कि उन्होंने मेरा को इतना ऑनर दिया है, इतना मेरे मान रखा, जो आज मैं इतना कुछ पा पाई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं ये कर पा रही हूँ, और आप लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद है कि आपने मुझे चुन लिया और मुझे मेरी बात को माना, सुना। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।